दोस्तों आज हम करेंगे दो कमाल के टॉयज की अनबॉक्सिंग, जिनमें से एक तो है ये बेब्लेड का स्टार्टर पैक और दूसरा है ये पोकेमोन गो का सरप्राइज पैकेज। तो जल्दी से करते हैं कि अनबॉक्सिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु, आप देख रहे हैं पीपल व्यू। लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पैकिंग दिखती है कुछ इस तरह से, चारों तरफ से जहां पे लिखा गया है सब कुछ चाइनीज में, जो बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया। तो क्या मैं बता सकता हूं आपको यहां पे, तो यहां से ओपन करेंगे हम इसकी पैकिंग और निकालेंगे इसके कंटेंट्स को बाहर। ओके, तो दोस्तों ये जो एक छोटा सा स्टिकर यहां पे निकलता है, जिसको कि हम अपने बेब्लेड में लगा के इसे थोड़ा सा डेकोरेटिव बना सकते हैं। ये यहाँ पे हमको 3 पार्ट्स मिलते हैं इसके। तो ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा मेटल का है, थोड़ा वेट भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये जो पार्ट है कुछ मेटल का है, कुछ प्लास्टिक का है। यहाँ पर डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और डिज़ाइन की वजह से ही मैंने इसको परचेज कर लिया था। तो जल्दी से ज्वाइन करते हैं इसको और एक बार इसको चला के देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर हमको मिलता है साथ में एक लॉन्चर, जिसमें कि दी गई है फिक्स करने के लिए रेल, और इस रेल को आप यहाँ पे इस पार्ट के यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ फिक्स कर सकते हो। मुझे लगता है शायद दोनों तरफ रेल इसलिए दी गई है ताकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यूजर्स दोनों इसे यूज कर सके। अगर कोई और इसका रीजन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मैं इसको फिक्स करता हूँ कुछ इस तरह, और उसके बाद में हम डालेंगे इस पुलिंग कॉर्ड को अंदर। उससे यहाँ पे एक पॉइंट है, टिप को आप दबा के रखिए और इस पार्ट को आप फिक्स करने के लिए इस टिप को प्रेस कर दीजिए। तो मैं लॉन्च करता हूँ इसको, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। तो दोस्तों जब भी ये बेब्लेड चले, आप कभी भी उसे ऐसे चलते हुए पकड़ने की कोशिश ना करें। मैंने इसके साथ ऐसी कोशिश करी थी और मेरे हाथ में लगा था एक बहुत ही तगड़ा झटका, क्योंकि इसके एजेस जो हैं काफ़ी शार्प होते हैं और मेटल भी होता है कभी कभी साइड में। तो दोस्तों अगर आपको ये बेब्लेड पसंद आया हो तो आप परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो दोस्तों दूसरा आइटम जो यहाँ पे निकल के आता है वो है ये पोकेमोन गो का सरप्राइज है। तो जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स और निकालते हैं इसके अंदर से एग को बाहर। दोस्तों ये निकल के आता है और दिखता है कुछ इस तरह से, प्लास्टिक की बॉल शेप का है। नीचे शायद यहाँ पे लगती है इसकी बैटरीज, और यहाँ से मैं इसे करूँगा ओपन। तो इसके अंदर से सबसे पहले ये एक पोकेमोन कुछ निकल के आता है। तो ध्यान से देखिए, इसे काफ़ी क्यूट सा है, प्लास्टिक का है, और यहाँ पे लगा है मैग्नेट। ये मैग्नेट जो है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ इस तरह से चिपक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अंदर की तरफ मिलते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग बटन, और यहाँ पे मिलता है कुछ स्पीकर का, कुछ आउटपुट के कुछ होल्स। तो जल्दी से हम एक एक करके इन तीनों बटन को करेंगे प्ले और देखते हैं कि क्या साउंड आता है। दोस्तों यहाँ पे ग्रीन बटन को दबाने से साउंड बार बार चेंज हो रहा है, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग फीचर लगा। एक बार फिर से बाकी बटन को भी दबा के देखते हैं। ये क्या है, ये बच्चे का हंसने का साउंड। मेरे बचपन में भी वही था और आज भी वही है, तो प्लीज इसे अपडेट कर दो चाइना वालों। बाकी यार ये पैकेज जो है इस पोकेमोन का, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और काफी अच्छा लगा। क्यूट सा है, छोटा सा है, और प्राइस रेंज भी इसकी काफी सही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक तो जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।